Hi guys, and today we have Mohammed Sohail again from Lviv National Medical University in Ukraine. Thanks for joining, Sohail. Hi Shivam, and hi all of the viewers who will watch this video. Hope you all are good, and thanks Shivam for joining me. Maybe this meeting will be good. Yeah, so we'll now have a conversation. Like, I have already spoken about Sohail's journey in Kota, and now we'll have a conversation on how he made it to the medical university in Ukraine. So let's begin. Like, हर इंसान के दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर से आया होगा कि लाइक व्हाई डिड यू वांट टू परस्यू एमबीबीएस फ्रॉम फॉरेन, लाइक आपका क्या रीज़न था? शिवम, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मेरा एब्रॉड का कोई प्लान नहीं था. ओके, एब्रॉड से मेरा एमबीबीएस करने का कोई प्लान नहीं था. तो जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था अपनी, उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि बेसिकली प्राइवेट एडमिशन में किसी प्राइवेट कॉलेज में किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे. फिर लास्ट में जब मैं काउंसलिंग से पहले की बात है, ये जब मैं प्राइवेट कॉलेज सर्च कर रहा था, तो उसी वक्त मेरे अंकल हैं, उन्होंने सजेस्ट किया अब्रॉड के बारे में. तो अब्रॉड के बारे में सजेस्ट किया, बट मैंने उसे ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया और प्राइवेट ही कॉलेज सर्च करने लग गया बेसिकली. देन उसी वक्त फिर ये एमसीआई का नॉर्म आया था कि अब जो है, जो बाहर से एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं इंडिया से ही, उन सभी को साथ में एक नेक्स्ट एग्जाम देना है, जिसके बिहार पर आपका नीट पीजी में, जैसे नीट पीजी हुआ करता है अभी भी, शायद लास्ट मे बी लास्ट ईयर है नीट पीजी के लिए, उसी के बिहार पर तुम्हें फिर सीट्स मिल जाएंगी पीजी में, और उसी के क्वालिफाई करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा एमबीबीएस का. तो ये उस पर नॉम, उस वक्त नॉम आया था, बेसिकली नेक्स्ट एग्जाम देना है सबको. तो दिस वॉज द वन पॉइंट ऑन द बिहाफ आई चूज एब्रॉड. एंड द सेकेंड थिंग वॉज द फीस स्ट्रक्चर, बिकॉज इफ वी विल सर्च इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, देर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस स्ट्रक्चर देयर. बट इफ वी सर्च इन अब्रॉड, मतलब हाफ रेट में आप एमबीबीएस कर सकते हैं बेसिकली. बिल्कुल सही बात है. लाइक अगर हर इंसान को ही, हर स्टूडेंट को ही एमबीबीएस के बाद उन्हें एग्जिट एग्जाम देना ही पड़ता है, तो फिर बाहर से ही कर लेना है क्योंकि वहाँ पे फीस कम है. ओके, सो काफ़ी जेन्युइन रीज़न था. एंड अब एक और बात था, जैसे आप यूक्रेन से, आपने यूक्रेन से परस्यू कर रहे हो, तो अब लाइक व्हाट्स द रीज़न मोस्ट पीपल प्रेफर टू गो टू यूक्रेन? देखो, मैं सभी पीपल्स का नहीं बताऊंगा, पीपल का नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अपना बताऊंगा रीज़न, मेरा रीज़न क्या था शिवम, ठीक है, यूक्रेन चूज करने का. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्रेन जो है, मैं ऐसी, अब मैं अपने रीज़न नहीं बता रहा मैंने क्यों चूज़ किया, मैं पहले एक चीज़ बता रहा हूँ आपको. जोग्राफिकल लेवल पर यूक्रेन जो है ना, यूरोप के अंदर आता है, यूरोप यूनियन में तो नहीं है लेकिन यूरोप में है. बाकी अदर कंट्रीज जो हैं जहाँ पे लोग बच्चे प्रीफर करते हैं जाना, जैसे कि जो एशिया में है, लाइक चाइना, कजाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज जो हैं, ठीक है. तो एक तो ये रीज़न था कि यूरोप में है यूक्रेन, और वहाँ पर मेरा जो दूसरा रीज़न ये था कि अब 6 साल या फिर 5.5 साल जितना भी ड्यूरेशन प्रोग्राम की है वो हमें वहाँ पर बिताना है, ठीक है, तो वहाँ पर रहना भी है. तो मेरा तो बेसिकली मोटो यही था कि एक तो स्टडी प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए, ठीक है, दूसरा तो वहाँ पर हम वक्त गुजार रहे हैं, वहाँ पर रहना भी है, वहाँ पर खाना भी है, तो अच्छे से गुजारें फिर. तो दिस वाज द रीज़न फॉर विच आई चूज द यूक्रेन. ओके, तो लाइक ये बहुत जनों का ही रीज़न होगा क्योंकि 5 साल बिताना है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक इज लाइक बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ और लिविंग स्टैंडर्ड and living quality of food, there are things which is good there. So basically I choose the Ukraine. Okay, yeah, definitely quality of life and quality of food, ये तो देखना ही पड़ेगा. Okay, next question यही है कि like Ukraine में काफ़ी सारे medical universities हैं, अब Ukraine में एक student कैसे choose करेगा, कौन सा medical university सही रहेगा, क्या criteria होता है? University choose करने के लिए देखो शिवम, first of all we can search on Google and YouTube. जस्ट फॉर रेफरेंस, लाइक नॉट फॉर रेफरेंस, जस्ट देखने के लिए एक बार. उसके बाद सबसे ज़्यादा हेल्प हमें जब होती है, जब हमारा कोई सीनियर उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है. अब सीनियर जो है वो हमारे थोड़ा क्लोज फैमिली का हो, लाइक कोई फ्रेंड ना हो, ठीक है, क्योंकि एब्रॉड में भी हर यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है. तो ज़रूरी है कि कोई, अगर आपका सीनियर है, कोई गार्जियन, कोई गाइड करने वाला हो बेसिकली वहाँ पर आपका, तो ये आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए. ओके,
सो आपके लिए ये कैसा था, मतलब आप कैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी अपना चुन लिए यूक्रेन में? मेरे अंकल ने भी सजेस्ट किया था, तो मेरे अंकल जो हैं वो भी डॉक्टर हैं, और मेरे छोटे अंकल हैं उन्होंने भी एब्रॉड से MBBS किया है, और इस टाइम पे वो कानपुर में उनकी पोस्टिंग है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी बेसिकली यूक्रेन में, ये लवी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। और मेरे सीनियर भी हैं कुछ, मैंने उनसे भी इसी सजेशन लिया, वहाँ के स्टडी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा, वहाँ का स्टडी पैटर्न थोड़ा सा अलग है, बताऊँगा अभी आपको उसके बारे में। ओके, तो मतलब जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि अभी ऐसा सीन है कि MCI डिसॉल्व हो चुका है. अभी तक ऐसा था कि MCI रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए था, ये पहला है कि अभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे. दूसरा चीज़ ये कि यूक्रेन में ईस्ट यूनिवर्सिटीज़ होता है, वेस्ट यूनिवर्सिटीज़ होता है, तो फिर वहाँ पे कैसे सिलेक्शन होगा? देखिए शिवम, ऐसा है कि MCI, यस आप सही कह रहे हैं, अब MCI से ज़रूरी नहीं है कि MCI लिस्टेड हो यूनिवर्सिटी, अगर आप MBBS कर रहे हो बाहर से, है ना। और दूसरी चीज़ जो आप बोल रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट यूक्रेन में यूनिवर्सिटीज़ का क्या मतलब, कौन सी अच्छी रहती हैं, तो बेसिकली देखिए अब हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो वेस्ट में आती है देखिए, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन है लवी, और ऐसा नहीं है कि ईस्ट और वेस्ट में यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हो, कोई स्पेसिफिक होती हैं, बस ये है कि कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो अच्छी ईस्ट में भी हैं और वेस्ट में भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटी रहती हैं जो वेस्ट में भी अच्छी नहीं है, बेसिकली वहाँ पर स्टडी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ये चीज़ है। तो ओके. तो ये तो हुआ, ऐसे हम लोग मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ यूक्रेन में चुन सकते हैं. बट अभी आप थोड़ा कोर्स, मतलब जितना MBBS का यहाँ पे जैसे 5.5 साल का होता है इंटर्नशिप को मिला के, आपका पूरा करिकुलम क्या है कॉलेज का, वो प्लीज़ बताइए. देखो शिवम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से वन थिंग, इन यूक्रेन द एजुकेशन सिस्टम इज क्वाइट डिफरेंट, मतलब वहाँ पर जो है ना यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, ये प्रोग्राम चलता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है हमारे वो 200 मार्क्स से एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 120 हमारे डेली बेस पर हमारे वाइवा वगैरह होंगे, टेस्ट होंगे, हमारे MCQs वगैरह जो भी होंगे वो हमें देने होंगे, और 80 मार्क्स का हमारा सेमेस्टर एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये है यूरोपियन क्रेडिट सिस्टम, मतलब रोज क्रेडिट मिलते हैं और आपको उसी के बिहार पर आगे ईयर में प्रमोट किया जाएगा, ये चीज़ हो गई। दूसरा, जैसे अब इंडिया में हम देखें तो 1 साल के अंदर अंदर हमारी एनाटॉमी कवर हो जाती है, और यूक्रेन में जो है अराउंड 3 सेमेस्टर में मिलते हैं, 1.5 साल में, तो एनाटॉमी के लिए 1.5 साल मिल जाती है, फिजियोलॉजी के लिए और टाइम मिलता है, तो वहाँ पर ये कि 6 साल में हम अच्छे खासे पढ़ाई हम कर सकते हैं धीरे धीरे करके, और सेकेंड ईयर तक हमारी फिजियोलॉजी एनाटॉमी माइक्रोबायोलॉजी चलती है, थर्ड ईयर से हमारे क्लिनिकल सब्जेक्ट के स्टार्ट होते हैं, सो दिस वाज द करिकुलम फॉर द स्टडी द बेसिकली मेडिसिन। ओके. सो दैट वाज द कोर्स करिकुलम. फिर उसके बाद और थोड़ा स्पेसिफिक जाएंगे कि यूरोप में जाना होता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ये लैंग्वेज प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं यूक्रेन में? कितना प्रॉब्लम होता है, कैसे कवर अप हो जाता है? लैंग्वेज के लिए हमें जो ना 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेज वहाँ पढ़ाई जाती हैं, एक तो यूक्रेनियन लैंग्वेज हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब पढ़ाई जाती है, थर्ड सेमेस्टर की चलती हैं, फोर्थ सेमेस्टर की चलती हैं वो, तो उसके उसकी हेल्प से भी हम काफ़ी स्टूडेंट सीख जाते हैं, और बाकी वहाँ की नॉर्मल लैंग्वेज जो है वो भी यूक्रेनियन है, तो जब हल्का फुल्का हम इंट्रैक्शन करते हैं ना लोगों से तो काफ़ी हेल्प होती है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है लैंग्वेज वहाँ पर। अगर कोई लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम सोच रहा हो कि यूक्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेरे ख्याल से ये लैंग्वेज वाली कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे टीचर्स वगैरह सब इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पर, और काफ़ी लोग भी जैसे कि कैफे वगैरह हम जाते हैं तो वहाँ भी इंग्लिश चल जाती है ऐसा, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी हम पढ़ाते हैं यूक्रेनियन, तो लैंग्वेज की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती शिवम वहाँ पर। ओके. जैसे ये था लैंग्वेज के बारे में, बट यूक्रेन में जो सबसे हाइप किया हुआ है दैट इज़ अबाउट द क्रॉक एग्जाम्स. मतलब पहले ही जो एजेंट होता है वो बोल देते हैं कि क्रॉक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे तो वापस भेज देगा, तो ऐसा बहुत हाइप किया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा इलाबोरेट कीजिए. शिवम देखो ऐसा है, क्रॉक एग्जाम जो है वो हमारे थर्ड ईयर में होता है और सिक्स्थ ईयर में होता है फॉर द स्टूडेंट्स वो, और जो कि फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो इंडिया से या किसी और कंट्री से यूक्रेन में स्टडी करने के लिए, मेडिसिन पढ़ने के लिए गए हैं, उनके लिए 2 क्रॉक होते हैं थर्ड ईयर में, सिक्स्थ ईयर में। जो यूक्रेनियन होते हैं उनके लिए 3 क्रॉक एग्जाम होते हैं, एक थर्ड ईयर, सिक्स्थ ईयर, और एक बार उनका जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है जब उनका एग्जाम होता है क्रॉक का, विच इज़ मैंडेटरी फॉर देम। तो क्रॉक एग्जाम जो है जो थर्ड ईयर में हमारा होता है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का पूरा सिलेबस रहता है कुछ सब्जेक्ट छोड़कर, ठीक है। तो ये क्रॉक एग्जाम इसी तरह से एक एग्जाम है जैसे कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, उसमें अगर हम ना पढ़ें तो उसमें फेल हो जाएंगे,
तो इसी तरह से अगर प्रोप में हम ना पढ़ेंगे तो उसमें फेल हो जाएंगे। तो बेसिकली हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, अगर पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ शिवम आपको। मतलब ऐसा कुछ है क्या, वो बहुत ज्यादा टफ एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम जैसे होता है उससे भी ज्यादा टफ होता है, फेल करवा दिया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? शिवम 60% उसमें मार्क्स चाहिए होते हैं, और अराउंड 40% जो है प्रीवियस ईयर से आते हैं, और 20% से ज़्यादा जो है उसमें बेस आ जाता है, बेस हमें मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल से एग्ज़ाम नहीं है वो। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया में भी आपको मिल जाएंगे जो मेडिकल कॉलेज इंडिया में भी फेल होते हैं, और कुछ स्टूडेंट आपको बाहर भी मिल जाएंगे जो बाहर भी फेल होते हैं। तो उनके बिहार पर क्या नाम है, क्या कहेंगे उसे, तो एक टाइम बताइए आप मुझे अच्छे से। जज करना बेसिकली कि क्रॉक बहुत ज़्यादा टफ है, बच्चे फेल हो जाते हैं, तो वो सही नहीं है। तो ये हाइप के बारे में थैंक्स क्लियर करने के लिए। तो एक नॉर्मल लाइक कॉस्ट कितना होता है लाइक अपना पूरा MBBS कवर करने में यूक्रेन यूनिवर्सिटी से? देखिए शिवम, ये चीज़ डिपेंड करती है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। लाइक ईस्ट में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, तो वहाँ पर आपके MBBS मैं आपको सिर्फ अभी ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस के बारे में बताऊँगा उसके रिस्पेक्ट में, बाकी आपका खर्चा जो है वो तो खैर आप पे डिपेंड करता है कितना पड़ेगा, ठीक है शिवम। तो जो ईस्ट में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं वहाँ पर बहुत कम है, मतलब आपका MBBS हो सकता है पॉसिबल लाइक 18 लैक्स के आसपास, और जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ लवी में उसमें अराउंड 26 के आसपास ट्यूशन और हॉस्टल फीस पड़ जाएगी, मतलब 25-26 के आसपास है अप्रॉक्स। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लाइक ये तो सब कुछ हो गया, अब बात ये है कि यूक्रेन में लाइफ कैसा होता है, जैसे लोग कैसे होते हैं, क्लाइमेट कैसा होता है, खाना कैसा होता है? शिवम यूक्रेन जो है बेसिकली वहाँ का, पहले मैं बात करता हूँ एनवायरमेंटल क्लाइमेट की, तो वहाँ पर गर्मियों में समर में टेम्परेचर अराउंड 24 रहता है मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर अराउंड 26 अप्रॉक्स, इससे ज़्यादा नहीं होता मेरे ख्याल से तो। और विंटर्स में, सर्दियों में टेम्परेचर चला जाता है माइनस में, -10 भी, -15 भी, -20 भी, इससे ऊपर भी ज़्यादा रहता है कभी कभार। बस मैंने अभी अपने 2 साल से मैं यूक्रेन में हूँ, मैंने -20 से ऊपर तो देखा नहीं है फिलहाल अभी। तो क्लाइमेट और एटमोसफेयर वहाँ का बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, वहाँ के लोग तो वेस्ट में जहाँ पे हम रहते हैं, मैंने अभी तक कोई ऐसा रेसिज्म वगैरह कुछ वहाँ पर फेस नहीं किया अभी तक, तो उस हिसाब से भी अच्छा है। और वहाँ के जो लोग हैं वो सफाई वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और क्वालिटी ऑफ फूड और क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ का काफ़ी अच्छा है जो। ओके, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है कि लाइक जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना जाता है, तो आप प्लीज़ बताइए कि सिक्योरिटी कितना होता है स्टूडेंट्स का, लाइक टेल मी अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन यूक्रेन। लाइक जैसे न्यूज़ में हम लोग सुनते हैं लाइक द वॉर विथ रशिया इन द साउथ ईस्ट ऑफ यूक्रेन, हैज़ एनी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द कंट्री लाइक स्पेशली द फॉरेन स्टूडेंट्स? शिवम, फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्रेन इज़ द सेफेस्ट, वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री फॉर द वर्ल्ड, है ना। अब अगर वार की बात कर रहे हैं तो अभी कुछ दिनों पहले सुनने में आया था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट, लाइक रशिया के कुछ अंदर तक फोर्स आ गई यूक्रेन के, बस वो वापस चली गई। ऐसा भी हुआ है 2006 में आई थिंक, लाइक ईस्ट में कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह तक भी रशिया के अंडर में चली गई थी, लेकिन फिर ये हुआ कि लास्ट में जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे थे उन्हें फिर जो जिनको डिग्री मिली थी उनको डिग्री मिली, और कुछ उनको स्टडी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, क्लिनिकल रोटेशन वगैरह और मतलब क्लासेस वगैरह एबसेंट जरूरी होंगी उनकी, लेकिन उनकी डिग्री वगैरह सब उनके टाइम पर मिली है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे सामने भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, और अभी जो कुछ रिसेंट में आपने न्यूज़ अगर सुनी होगी तो वो भी सब डिजोल्व हो गया मामला, कुछ इसमें कुछ खास कुछ सामने आया नहीं है फिर लास्ट में। शिवम, होता वहाँ पे ऐसा रहता है क्योंकि रशिया जो है टू पार्ट्स में डिवाइड, सॉरी यूक्रेन जो है टू पार्ट में डिवाइडेड है। ईस्ट पार्ट में जो है, ईस्ट यूक्रेन जो है वहाँ पर प्रो पुतिन टाइप के लोग हैं, ठीक है, मतलब रशियन प्रेसिडेंट को सपोर्ट करते हैं वो, और जो वेस्ट यूक्रेन है वो एंटी पुतिन है। लाइक वहाँ पर टॉयलेट पेपर से बिकते हैं पुतिन के फेस लग रहा था उन पर, तो आप लगा सकते हैं, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आप देखने को मिलेगा बेसिकली उनकी। हालांकि ईस्ट यूक्रेन जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, बट थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है वहाँ पर। ओके, सो लाइक एज अ फॉरेन स्टूडेंट यू नेवर फेस्ड एनी सच प्रॉब्लम लाइक रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट हियर, सो दैट्स वेरी गुड टू हियर।
ओके, सो लाइक लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, लाइक हाउ इज द यूक्रेन एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन मेडिसिन? मैंने अभी पीछे कवर किया था, वहाँ पर यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम चलता है शिवम, के क्रेडिट बेस पर हमें मैक्सिमम प्रमोट किया जाता है, फिर लास्ट में एग्जाम होते हैं। और इंडिया का आपको स्टडी पैटर्न बताइए, सो दिस वाज जस्ट द स्टडी पैटर्न देयर। मतलब बाकी सब सेम है, सारे सब्जेक्ट्स, उसके बाद लाइक कैसे बताए? हाँ, सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है मेडिसिन के सब सेम है मेरे ख्याल से, ओवरऑल इंडिया ओवरऑल द वर्ल्ड सब्जेक्ट आर सेम फॉर द मेडिसिन, है ना। बट देर आर सम एडिशनल सब्जेक्ट लाइक यूक्रेनियन लैंग्वेज, लैटिन हम पढ़ते हैं वहाँ पर, एंड फिजिकल एजुकेशन एज वी ऑल्सो डू देयर, एंड लाइक हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, दीज आर थिंग्स विच वी स्टडी देयर। मतलब वहां पे मेडिसिन तो अलग ही होगा ना, क्योंकि क्लिनिकल यहाँ पे अलग है, अलग सब कॉन्टिनेंट है, अलग डिजीजेस है, या फिर मेडिसिन भी सेम होता है? मेडिसिन तो सोल्ड बेसिकली सेम ही होते हैं शिवम। हाँ, डिजीज डिफरेंट देखने को मिलती हैं, अभी हमें देखने को मिलेंगे सेकेंड ईयर से, हमारे रोटेशन एंड ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो जब मैं आपको बताऊँगा। ओके, फिर एक साल बाद वापस वापस इस कन्वर्सेशन में आएंगे. ओके, एज यू विश तो ब्रदर, एज यू विश। या श्योर. सो लाइक एक और सवाल, शायद मैंने सब कुछ ही कवर कर लिया. अब इस इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जाएंगे यूक्रेन. सो व्हाट विल बी योर पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स? यस, फॉर द स्टूडेंट हु वांट टू परस्यू MBBS फ्रॉम दे अब्रॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें वो कि उनका बजट क्या है बेसिकली, दूसरा वो देखें उनका टाइम कहाँ पे कम लग रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है कि जैसे 6 ईयर का प्रोग्राम है यूक्रेन में, लेकिन कुछ लोग जो हैं सॉरी कजाकिस्तान और एशिया में ज़्यादातर, वहाँ पर 5 ईयर का प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो कुछ लोग इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं जो कि मैंने नहीं दी थी अपने वक्त पर। तो ये दो चीज़ हो गई, एक तो अपना बजट टाइम का, और तीसरा फिर हर यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होती शिवम, तो इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखें कि यूनिवर्सिटी एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती हो, रोज़ क्लासेज लगती हों, ऐसा भी है कि करप्शन किसी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा है किसी में नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी अच्छी, ये चीज़ है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इसलिए या तो क्या नाम है, अपने किसी सीनियर सीनियर भी बेसिकली क्लोज होना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते हैं कि हम एडमिशन करा देंगे और थोड़ी हेल्प हो जाएगी हमारी पैसे वैसे की वजह से, तो देख लें कि थोड़ा क्लोज हो आपका, तो ही इनकी सजेशन मांगे, इसी का ख्याल रखना है बेसिकली। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस. वी हैड अ वेरी गुड कन्वर्सेशन विद सोहेल राइट नाउ अबाउट हिज फॉरेन यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन. आई होप यू गाइस एंजॉय द कन्वर्सेशन अलॉट. सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस. सो या, थैंक यू. ओके।